वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे बहुत ही मजेदार, देखिए लेसन टू है ये मैथमेटिक्स का। अगर आपको मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से आप कुछ नहीं पढ़े फिर भी आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि आपको हम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। जीरो से हीरो का मतलब समझ रहे हैं, यानी नीचे से लेकर के ऊपर, यानी आप कुछ नहीं जानते फिर भी आपको पल्ले पड़ेगा, दिमाग में जाएगा, ठीक है, ये मेरा आपसे एकदम वादा है। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लेसन टू मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है बहुपद, ठीक है, यानी पॉलिनोमियल उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब बताइए बहुपद, ये जो नाम लिखा है, नाम से ही हम इसको समझेंगे, ये जो लिखाता है ना बहुपद, इसका मतलब ये बहु मतलब क्या होता है, वो सास बहु वाला बहु मत समझिएगा, जो सास बहु सीरियल होता है उसको नहीं समझना है, ठीक है। बहु का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, यानी ढेर, और पद का मतलब होता है टर्म, ठीक है। हम लोग ऐसे बोले पद का मतलब क्या, तो आपको जैसे कि मान लीजिए कि हम बोले कि ये कितना हिस्सा में लिखा हुआ है, तो एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, दो हिस्सा में, तो हिस्सा हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में इसी को हम लोग पद बोलते हैं। तो जिसमें बहुत सारा हिस्सा यानी बहुत सारा पद हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि बहुपद, तो बहुपद उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बहुपद में क्या क्या होता है, किस टाइप की, मतलब किस टाइप का दिखने में दिखेगा। मान लीजिए कोई चीज, किसी को तो बहुपद नहीं कह सकते, इंसान को तो बहुपद नहीं कह सकते, उसमें दिखता है कि किस टाइप का रहेगा तो बहुपद कहा जाएगा। देखिए यहां पे समझिएगा, बहुपद में क्या होता है, घात होता है, और घात डिसाइड करेगा बहुपद किस प्रकार का है, यानी बहुत सारा पद। उसमें देखिए क्या होगा, एक्स होगा, नंबर होगा, कुछ नंबर होगा, कुछ एक्स होगा, कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा, सब एक में मिला करके बहुपद बनता है। यहाँ समझिएगा पहले, ठीक है, पहले हम लोग घात समझ लें, ठीक है। घात का मतलब होता है पावर, पावर समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2x^2, तो ये जो ऊपर लगा है ना इसको घात बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग पावर बोलते हैं, या फिर एक और आपको डिग्री भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर बहुत सारे यहाँ नंबर हम एक बार में लिख दें, यहाँ पे ऐसे नंबर हम लिख दें, और इसमें हम पूछे कि घात बताइए, तो घात यही है आपका, ठीक है, इसको हम लोग घात बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप इसको बोल सकते हैं, तो घात। अब देखिए जब हम लोग बहुपद शुरू करेंगे, बहुत सारे पद, तो उसमें बहुत सारे पद आते हैं, ठीक है, अलग अलग टर्म मिलता है, ठीक है। अब देखिए कितना प्रकार का यहाँ बहुपद, तो पावर के आधार पर, अभी देखिए एक अगर हम क्वेश्चन लिखे 2x² + x + 4, ये भी एक प्रकार का बहुपद है, 2x³ और 2x² + 6x + 2 कुछ भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और 2x + 4 ये भी तो एक बहुपद है, बताइए एक से ज़्यादा है कि नहीं, पद यहाँ पे लगा भी है, ठीक है, एक पद, ये दो पद मिला के बना है, तो बताइए एक से ज़्यादा, इसीलिए इसका नाम सबका क्या है, सबका नाम हो जाएगा बहुपद, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा, इसमें 1, 2, 3 ठो है, इसमें 1, 2, 3, 4 ठो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद इसको बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझना है, ये लिखे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अभी बताएं घात किसको कहते हैं, जो ऊपर हो, तो ऊपर अगर 2 लिखा है तो 2 घात है, तो इसे बोलेंगे द्विघात, क्या बोलेंगे, इसे द्विघात। अगर सबसे बड़ा घात 3 है तो इसे बोलेंगे मतलब त्रिघात, ठीक है, यानी कि क्यूबिक बोलेंगे। लेकिन जब ऊपर 1 रहेगा, 1 का मतलब यहाँ पे 2x+, मान लीजिए यहाँ 4 हम लिखे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है घात, तो जिसका घात कुछ नहीं होता है वहाँ 1 छिपा रहेगा, तो इसका नाम होना चाहिए 1 घात। जब 2 घात है तो नाम है द्विघात, 3 नाम है तो त्रिघात नाम है, तो इस पर क्या होना चाहिए, 1 घात है तो 1 घात होना चाहिए, लेकिन 1 घात नाम नहीं रहता है, इसका नाम है रैखिक, रैखिक बहुपद नाम है। आखिर क्यों, क्योंकि देखिएगा जो ये लाइन होता है ये एक रेखा के जैसे होता है, पावर 1 जो होता है क्या होता है, ऐसे खींच दे तो क्या है, एक रेखा ही ना है, ऐसे खींच दे तो रेखा है। ये सिर्फ लॉजिक हम आपको समझाने के लिए और याद रखने के लिए बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक रेखा। तो जब 1 ठो है इसीलिए इसका रेखा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रैखिक बहुपद पड़ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों समझ में आया होगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2x+3, तो पावर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 रेखा है तो इसका नाम रैखिक बहुपद। यहाँ घात कब है, ये घात के आधार पर हम नाम बता रहे हैं, बहुपद का नाम है ये किसके आधार पर, तो घात के आधार पर, यानी कि पावर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और एक और पावर मतलब यहाँ पे लिख देते हैं घात के आधार पर, ये 3 प्रकार का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा घात कब है, 3, तो इसका नाम क्या हो गया, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब बहुपद तो रहेगा क्योंकि ये क्या है, बहुपद के रूप में है, बहुत सारा पद है, यानी 2 ठो पद है,
ठीक है, तो ये बहुपद होगा। लेकिन एक और यहाँ आपको टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे रहा है कि यहाँ पूछेगा 2x^6 5x² + यहाँ पे 3 या 5 कुछ भी हो, 2x + 5, इसमें पूछेगा कि इस बहुपद का डिग्री बताइए यानी घात बताइए। तो देखिए घात 5 भी है, घात 6 भी है और यह घात 1 भी है, तो किसको बोलेगी, तो सब घात है। तो डिग्री जब भी पूछेगा यानी घात आपसे जब भी पूछेगा, ठीक है, तो उस पूरा का पूरा जो भी बहुपद है इसमें सबसे बड़ा वाला को हम लोग घात बोलते हैं, ठीक है, सब घात है। लेकिन स्पेशल अगर पूछ दे कि इसमें बताइए कि हाईएस्ट डिग्री, डायरेक्ट डिग्री ही पूछता है घात कौन होगा, तो इस समीकरण में जो सबसे बड़ा होगा उस वही क्या होगा, घात होगा। क्योंकि आप कभी देखे होंगे कि देखिए इस पूरा को बुलाना होगा तो बोलेंगे कि ये 6 घात वाला बहुपद है, ये नहीं बोलेंगे कि 5 घात वाला बहुपद है, ये 6 घात। क्योंकि सबसे, आप कभी ऐसे घर में महसूस किए होंगे कि घर में जब आपके पापा को कोई बुलाया जाता है तो बड़े बेटा के नाम रह के, मान लो कि किसी का नाम हो गया सुमित, सुमित है कुछ देर के लिए सुमित मान लो, उसके बाद मान लो मदन हो गया, दो लड़का है, ये बड़ा है सुमित आई छोटा है, तो अगर इन लोगों के पापा को बुलाया जाएगा तो अधिकतर देखना बड़ा बेटा का नाम रख के बुलाया जाता है कि सुमित के पापा कहाँ हैं आप, इस तरह से। तो जो बड़ा रहता है पहले उसी के प्राथमिकता दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे 6 है तो ये 6 घात वाला बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 पावर तो छिपा है ना, देखिए कुछ नहीं होता है तो पावर 1 छिपा रहता है, तो क्या हो जाएगा, तो 1 घात भी यहाँ रैखिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, 2 है, इसीलिए इसका नाम द्विघात है। यहाँ 2 भी है 3 भी है, तो सबसे बड़ा क्या है, 3 है, इसीलिए इसका नाम है त्रिघात। बड़ा वाले का ही नाम रहता है हमेशा, ये चीज याद रखिएगा। और आपको एक और यहाँ पे बात बता दें, देखिए कभी भी x पर रहेगा ये स्क्वायर तभी इस बहुपद का नाम यानी पॉलिनोमियल का नाम रखेंगे, ये नहीं कि यहाँ लिख दे 4x² + x कौन सा बहुपद है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये हमेशा x यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल पर, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे चर, ठीक है, चर पर डिपेंड करता है। चर किसे कहते हैं आपको बता दे, तो ऐसी जो भी इसमें टोटल का टोटल जो भी यहाँ संख्या दिया हुआ है, ABCD जो भी दिया हुआ है, जिसका वैल्यू निकाला जाता है, आप बताइए x² + 2x + 4 है अगर, तो इसमें किसका वैल्यू निकालिएगा, जब आप बनाइएगा तो यहाँ x का मान निकालिएगा, तो जिसका मान निकाला जाता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है, और जिसका मान नहीं निकाला जाता है उसे हम लोग अचर बोलते हैं। तो यहाँ 4 का मान नहीं निकलेगा तो इसका नाम हो जाएगा अचर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी चर है और ये भी क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप क्या क्या जान गए, घात समझ गए, ठीक है, घात कर घात के अकॉर्डिंग नाम भी रख सकते हैं, यानी पावर के आधार पर आप नाम भी रख सकते हैं, पावर 2 हो तो द्विघात, ठीक है, घात 3 हो तो त्रिघात, 1 हो तो 1 घात मत बोलना, रैखिक होता है, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ गए। अब देखिए जब मान लीजिए कि हमने एक द्विघात वाला समीकरण लिया 2x + 4, ऐसे कुछ भी हम समीकरण एक ले लिए, ये जाहिर सी बात है द्विघात समीकरण है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अब पूछा जाएगा कि ये तो हो गया आपका चर, ये भी हो गया चर एक्स वाला, ये आपका हो गया अचर, इसका मान नहीं निकलता है, लेकिन इसके साइड में ये 2 सटा हुआ है, इस एक्स के साइड में ये 2 क्या हुआ है, सटा हुआ है यानी गुणा किया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में तो वैसे कोफिशियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई पूछेगा कि x² का कोफिशियंट क्या होता है, तो 2 होता है, हिंदी में समझिएगा। अब हम आपसे पूछे अगर कि यहाँ पे x का गुणनांक इसको बोलते हैं, पहले आपको बता दें कि क्या बोला जाता है, गुणनांक, ये भी क्या है, गुणनांक है। अब गुणनांक का अर्थ समझिएगा, गुणनांक मतलब क्या, इसको ध्यान से पढ़िए, गुणनांक इसका मतलब है गुणा करने वाला अंक, ऐसा अंक जो गुणा करे उसे गुणनांक बोलते हैं। तो अब बताइए हम पूछे कि x² का गुणनांक क्या है, तो बताइए x² में कौन सा अंक गुणा किया है, तो 2 किया है, तो x² का गुणनांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछे हैं कि x का गुणनांक कौन है, तो अब आप बताइए कि ये x तो नहीं है, ये x² है, x ये है, तो x का गुणनांक क्या है, 2 है। तो यहां आप गुणनांक भी समझ गए, क्या समझ गए आप समझ गए गुणनांक, और आप फिर समझ लिए घात भी समझ गए, चर क्या होता है, जिसका वैल्यू मान निकाला जाता है उसे चर, और जिसका मान नहीं निकाला जाता है यानी इसको बोलेंगे हम लोग अचर, ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। गुणांक समझ गए, जिसको कोफिशियंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस हिसाब से आप पूरा का पूरा समझ गए कौन सा गुणांक है। एक सपोज अगर मान लीजिए एक इक्वेशन दे 9x² + 6x + 4, अब हम पूछेंगे कि x का गुणांक क्या होगा,
एक्स का गुणांक। तो देखिए एक्स में कौन सा अंक गुणा किया है, तो एक्स में सिक्स गुणा किया, यानी एक्स का गुणांक सिक्स है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर में नौ गुणा किया है तो नाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बस नाम किस पर रखते हैं, घात के आधार पर नाम रखते हैं। बहुपद समझ गए, बहुत सारा पद मिला रहेगा, कितना भी बड़ा पद मिला रहेगा, लेकिन इसका व्यापक रूप क्या होता है। अब पूछेगा ये व्यापक रूप क्या होता है, तो समझिए व्यापक रूप का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है व्यापक रूप। ठीक है, ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यानी कि यहाँ पहले दो गो एक्स है, फिर एक गो एक्स हुआ है, और फिर एक्स खत्म हो गया, तो इसी फॉर्म में दिखना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में दिखे या तो घटते क्रम में दिखे, एक ऐसे सीक्वेंस में सजा होना चाहिए। ठीक है, और व्यापक रूप का मतलब होता है यहाँ पे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये और ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दुई घात वाला है ही, यहाँ पे एक्स है ही, और यहाँ सी माने होता है अचर कोई नंबर है, लेकिन ए और बी क्या है, तो ए और बी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ए और बी कोई भी क्या हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक समझ रहे हैं, वास्तविक संख्या, दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सिर्फ बताए थे आप वीडियो देखें रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ कोई भी नंबर रह सकता है ए के जगह पर। देखिए यहाँ दो है, कहीं पे नाइन है, तो यहाँ ए के जगह पर है मान लीजिए नाइन, बी के जगह पर है सिक्स, या बी के जगह दो, तो यहाँ पे कोई भी ए और बी के जगह पर रह सकता है नंबर। ठीक है, यही आपका क्या है, एक तरह से देखें तो इसको गुणांक बोलते हैं, यहाँ एक्स का गुणांक बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप याद रखिएगा, यानी व्यापक रूप आप याद रखिएगा, क्या होता है आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो लिखिएगा पहले तो द्विघात, तो दुगो घात रहबे करेगा, कहीं भी देखिएगा ऑप्शन में। ठीक है, और ऐसे दे दे तो यहाँ रहेगा ए बी और ये पूरा होता है सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर दो गो फिर यहाँ एक ठो और उसके बाद खत्म हो जाता है, तो यहाँ नंबर ही सिर्फ रहता है, कोई यहाँ नंबर ही भराएगा। ठीक है, यही इसका व्यापक रूप है, ये द्विघात का है। अगर त्रिघात का पूछे तो पहले घात तीन गो होगा, एक्स एक्स का पावर क्यू, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कोई नंबर, तो यहाँ ए बी सी और लास्ट में तब डी हो जाएगा। ठीक है, चार को घात वाला देखना है तो चार से शुरू कीजिएगा, तो डी का ई तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुपद में एक और आपको टॉपिक मिलेगा जो कि बहुत ही मजेदार होगा, ये देखिएगा ये बार बार आएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे आप सुने होंगे अल्फा बीटा गामा ये सब क्या होता है, देखिए इसका मतलब तो कुछ नहीं होता, ये बात पहले जान लीजिए। ठीक है, ये आया क्यों थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, सपोज मान लीजिए कोई भी हो, गलत हो सही वो मायने नहीं रखता है, बस द्विघात बहुपद है। याद रखिएगा एक चीज, द्विघात बहुपद में घात किसको कहते हैं, ये ऊपर वाला कहते हैं, और जितना घात होगा उतना ही एक्स का मान, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा बनाइएगा तो एक्स का मान दो आएगा, यानी दो ठो आएगा, दो नहीं आएगा दो ठो आएगा, कैसे, यानी कि इसको तोड़ने के बाद हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में हम बता देंगे आपको, ठीक है, जब क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे जितना पावर होता है उतना ही एक्स का मान होता है, अगर यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का पावर थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव है, यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि यहाँ पे घात कितना है, तो देखिए घात ये भी है और ये भी हम बताएं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। यहाँ पूछा जाए कि एक्स का मान कितना आएगा, निकालिएगा तो एक्स का मान तीन ठो आएगा, यानी एक्स बराबर कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ भी एक्स बराबर कुछ आएगा और यहाँ भी एक्स, इस सब को एक्स समझिएगा। ठीक है, अब देखिए तीन ठो एक्स का मान आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का मान दो ठो आएगा। ठीक है, ये दिमाग में आप रखिएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे तीन आएगा, यहाँ पे दो आएगा, मान लीजिए कि एक्स का मान यहाँ दो तीन चार, वैसे सॉल्व करने के बाद इतना आएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए इतना आया, यहाँ एक्स का मान दो और यहाँ तीन आया, हम पूछेंगे आपसे अगर कि बताइए आप कि यहाँ एक्स का मान क्या है इसमें, तो कोई लड़का बोलेगा दो, कोई लड़का बोलेगा तीन। ठीक है, क्योंकि एक्स बराबर दोनों लिखा है, ये कन्फ्यूजन आ जाता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बोला है कि एक्स में कन्फ्यूजन है, कोई लड़का तीन बोल रहा है, कोई लड़का दो बोल रहा है, तो इस नाम को हटा करके दोनों एक्स को, ए का नाम अल्फा रख दिया गया, एक का नाम बीटा रख दिया गया। क्यों, अब हम आपसे पूछे अगर कि अल्फा इसमें कौन है, तो अल्फा आप डायरेक्ट बोलिएगा दो है, आप तब तीन नहीं बोलिएगा, अगर हम बीटा बोले तो आप तीन बोलिएगा। ठीक है, तो बताइए दोनों को कन्फ्यूजन को दूर करके इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। इसी
तरह इसका x बराबर पूछेंगे क्या, तो कोई लड़का चार बोलेगा, कोई तीन, कोई दो, इसका नाम बता दो, अल्फा बीटा और गामा कर दिया गया। अब हम पूछे अगर कि बीटा बराबर कितना, तो आप कभी चार नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, बीटा बराबर क्या बोलेंगे, हमेशा तीन ही बोलेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन एक्स बराबर पूछे तो आप तीनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका अल्फा और बीटा यही होता है, ठीक है। बताइए, इसमें कुछ नहीं है, बस नाम चेंज कर देना है, कन्फ्यूजन था नाम में, इसीलिए नाम को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। अब एक और चीज़ यहाँ समझिएगा, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक और आपको यहाँ चीज़ समझना है, देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे पावर के आधार पर, यानी पावर था घात, इसको बोलते हैं, ऊपर घात होता है, उसके आधार पर कितने बहुपद होते हैं, तो तीन बहुपद होते हैं, लेकिन टर्म के आधार पर भी होते हैं कुछ। टर्म का मतलब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एक दो गो हिस्सा है, यहाँ भी दो हिस्सा है और यहाँ भी दो हिस्सा है, बहुत ऐसे जगह में ऐसे हो जाता है 2x प्लस 3y, ऐसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा में है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2, ये दो हिस्सा में है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि दो हिस्सा में है, तीन हिस्सा में है, तो इसे हम लोग पद के आधार पर देखें तो ये त्रिपदीय बहुपद है, ठीक है। त्रिपदीय बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें तीन ठो पद हो, एक दो तीन। देखिए, अपने भाषा में हम एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, हिस्सा बोलते हैं अपने भाषा में, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल भाषा में अगर मैथमेटिक्स के रूप में हम लोग देखें, ठीक है, तो इसे हम लोग हिस्सा को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हिस्सा वाला है, तीन हिस्सा वाला बहुपद है, यानी तीन पदीय बहुपद है। ये कितना हिस्सा है, तो एक दो बहुपद है, यानी दो पद वाला है, तो दो पदीय बहुपद है। और कभी भी हिस्सा यानी बांटने का काम प्लस रहेगा तो करेगा, नहीं तो माइनस रहेगा तो करेगा। ऐसे अगर क्वेश्चन दे 2 × x + 2, अगर ऐसे क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आपको आ सकता है। कौन सा कन्फ्यूजन, अगर पूछा जाएगा कि ये कितना हिस्सा में है, तो आप ये मत कहिए कि एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा में है, ये तीन हिस्सा में नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस जो होता है, ठीक है, वही बांटने का काम करता है। यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा थोड़ा सा, देखिए प्लस और माइनस अगर एक रूप से, सामाजिक रूप से देखें, तो आप बताइए खुद कि घर में बांटने का काम कौन करता है, पुरुष या महिला, ये आपसे क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा। हमारा जहां तक दिमाग जाता है, ठीक है, माने बुरा कोई नहीं मानेगा, ये महिला करती है। तो प्लस और माइनस समझिएगा, इसमें एकदम सेम जिस तरह महिला है उसी तरह ये भी है, ठीक है, कोई इसको सीरियस नहीं लेगा। अब देखिए, उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बांटने का प्लस और महिला यहाँ पे नहीं, माइनस करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, तो ये कितना हिस्सा में है, तो यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हुआ, मल्टीप्लाई बांटने का काम नहीं करता है, वो तो कोई बिछड़ा हुआ है उसको भी अपने आप में गुणा करके लाने की कोशिश करता है, किसी भी संख्या में कुछ भी गुणा कीजिए उसको पास में ला देगा, ठीक है। यहाँ देखिए, 2 + x कभी जुट नहीं सकता है, लेकिन 2 × x पास में ला सकता है, 2x हो जाता है, ठीक है। x + x रहेगा एक जात का तभी जुटेगा, लेकिन ये देखिए दोनों एक जात का नहीं है, फिर भी ये पास में है, ठीक है। तो ये माइनस बांटने का काम नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई बांटने का काम नहीं करता है, बांटने का काम करता है प्लस और माइनस करता है, ठीक है। अब देखिए, ये समझ गए, अगर एक ठो पद हो तो ये एक पद वाला बहुपद है, अगर ये दो ठो पद हो जाए, ठीक है, 2x + 2, तो ये द्वि पद वाला बहुपद है, और ये तीन हो जाए तो त्रिपदीय बहुपद। इंग्लिश में से मोनोमल, बायनोमल और ट्राइनोमल बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान है, एक ग्राफ है, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। अब ये 2.1 देखिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये तो देखा जाए तो 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बेसिक जान लें कि ये होता क्या है। देखिए, यहाँ लिखा है कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन द फिगर 2.10 विलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यहाँ देखिएगा, पहले आप जान लीजिए कि इक्वेशन में शून्य किसको कहते हैं, ठीक है, 2x² + 5x + 6। अगर पूछेगा इसका शून्य ज्ञात करें, यानी जीरोज निकालिए, क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करें, यानी फाइंड द जीरोज, तो किसको कहते हैं, तो जो x का मान निकलता है ना, जिसको हम लोग अलग रूप में नाम रखे हैं अल्फा और बीटा, वही इसका शून्य है। कोई पूछेगा कि बताइए इसमें x का मान कितना है, तो दो ठो आएगा, क्योंकि पावर कितना है, दो है। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा और बीटा आएगा, क्योंकि जितना पावर रहता है उतना ही x का मान आता है, और x के मान को ही हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। और एक और नाम आप जान लीजिए, उसका नाम शून्य भी है।
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इस समीकरण में, इस इक्वेशन में कितना शून्यक है, कितना जीरोज है, तो यहाँ पे दो ठो जीरोज है, ठीक है, यानी कि x का मान कितना होगा, दो ठो। अगर हम यहाँ लिख दिया गया है y बराबर पी एक्स, इसका मतलब यहाँ पे आप निकालिए कि कितना जीरोज है, तो जीरो जब आप ग्राफ बनाइएगा तो देखिए ये वाला होता है x, ये माइनस वाला x हो गया, ये माइनस y और ये y। अब देखिए इसका नाम है x और इसका नाम है y, ऑर्डिनेट और अबसीसा ये जो नाम है, ठीक है, अब इस हिसाब से इसी को x क्यों बोलते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग जब y लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी ऊपर जाते हैं फिर नीचे, यानी ऊपर नीचे आता है, ठीक है, और x जब लिखते हैं तो ऐसे और ऐसे, मतलब लेफ्ट और राइट लिखते हैं, एक इधर करते हैं एक इधर, तो लेफ्ट और राइट वाले को x बोलते हैं और ऊपर और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, ठीक है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब y बराबर पी एक्स, तो यहाँ पे जितना बार x पर कटेगा जो भी लाइन उतना x का मान होगा, यानी कि जीरोज होगा, फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, समझिएगा, यानी कि शून्यक निकालना है कि बताइए इसमें कितना शून्यक होगा, तो इस ग्राफ में अगर हमको निकालना हो कितना शून्यक होगा, तो जो भी ऐसे लाइन गुजरेगा जितना बार एक्स वाला लाइन में सटेगा उतना ही जीरो होगा। तो देखिए एक बार यहाँ पे सटा है एक दो, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार, इसका जीरो यानी शून्यक कितना होगा, यहाँ इसका शून्यक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि x पर ये कितना बार सटा है, चार बार सटा है, ठीक है। इस हिसाब से बताइए पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बताइए कि जीरोस कितना होगा, तो बताइए x वाला लाइन है इसमें कहीं सटा है, ये वाला लाइन तो ऊपर है ना, यानी यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ जीरोस कुछ नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन कितना बार सटा है एक्स में, तो देखिए ये वाई से सटते हो गया, एक बार जाके एक्स में सट गया, यानी यहाँ पे शून्य कितना होगा, एक हो जाएगा, यानी शून्यक यहाँ पे शून्यकों की संख्या एक होगी। यहाँ पे देखिए तीन नंबर क्वेश्चन में, तीन नंबर क्वेश्चन में एक यहाँ है स्पर्श किया है, ठीक है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे, तीन जगह किया है, यहाँ पे शून्यक नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, एक दो तीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए चार नंबर में देखिए कितना जगह एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, यानी जीरो चार हो जाएगा, यहाँ पे कितना बार एक दो तीन जगह सटा है, ठीक है, तो यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक, यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे देखिए तीन, यहाँ चार और यहाँ, जितना बार यहाँ पे स्पर्श करेगा यही है वाई बराबर पी एक्स, मतलब एक्स का यहाँ पे क्या निकालना है, पी एक्स का यहाँ पे जीरोज निकालना है, ठीक है, तो एक्स का निकालना है, तो एक्स जितना बार एक्स वाले लाइन में सटेगा वही उसका क्या होता है, जीरोज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आया होगा बेसिक के साथ, अगर आया है तो कमेंट में बताइए कि कितना बेहतरीन लगा है, क्योंकि इससे और इजी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है, आपको जैसे आप कंफर्टेबल फील करें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही धमाकेदार लेकर के एक्सरसाइज 2.2, जो कि वो भी बहुत ही मजेदार है और आसान है, उसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।